ओम नमो नारायण। ओम यद विद्याभिलाषेण भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्द विग्रहं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलेंगे देखिए यहाँ शक्ति की सिद्धि के लिए एक अनुमान दिए। वाणी आदिष्ट अतीन्द्रिय स्थिति स्थापक इतर भावाश्रय गुणित्वात घटवत। इसे आदिष्ट कहने से क्या कि संयोग जो दणुकादि वायु दणुकादि संयोग को लेकर के अर्थांतर होगा उसका वारण कर दिए आदिष्ट, क्योंकि संयोग आदि दो में रहते हैं तो आदिष्ट कहने से उसको नहीं लिया जाए। अतीन्द्रिय कहने से रूप आदि को नहीं ले सकते और स्थिति स्थापक कहने से स्थिति स्थापक, क्योंकि घट तो पृथ्वी है, स्थिति स्थापक को नहीं ले पाएंगे, उससे भिन्न जो है। जैसे वहाँ पे गुरुत्व आदि है, गुरुत्व को लेकर के सिद्ध किए, वाणी में एक अलग शक्ति एक मानना पड़ेगा। तो यत्र यत्र गुणित्वम तत्र तत्र अधिष्ठ अतीन्द्रिय स्थिति स्थापक इतर भावाश्रयत्वम, इस अनुमान के द्वारा वहाँ पे वाणी में शक्ति की सिद्धि हो जाएगी। तो ये दिए, चलिए आगे देखिए। वह जो शक्ति है वो कहाँ रहती है, बता दिए कि वो जाति में ही रहती है ना। किसी पद की शक्ति कहाँ है, जाति में, न व्यक्ति है, व्यक्ति में नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है अनंत है। व्यक्ति अनंत होने से पहली बात तो वहाँ पे अनंत व्यक्ति में शक्ति का ग्रह जीवन पर्यंत हो नहीं सकता, और व्यक्ति अनंत होने से अनंत शक्ति तब तो मानना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे व्यक्ति में शक्ति नहीं मान करके जाति में शक्ति मानी। फिर एक शंका हुई कि अगर जाति में शक्ति मानोगे तो व्यक्ति का ग्रहण कैसे होगा, व्यक्ति का भान कैसे होगा। क्या बता दे कि जातेर व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात्, व्यक्ति समान संवित से संवेद्य है जाति, यानी जिस ज्ञान से व्यक्ति का भान होगा उसी ज्ञान से मतलब जाति का भान हो जाएगा, इसलिए जो है अलग से नहीं, अलग से वहाँ व्यक्ति में शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दिखाए क्योंकि धर्म और धर्मी में तादात्म्य, इस टीका में दे दिए, धर्म और धर्मी में तादात्म्य है, इसलिए एक संवित संवेद्यत्व होने से व्यक्ति समान संवित संवित्ति संवेद्य जाति, उस जाति के भान समय में ही व्यक्ति का भान होना कोई विरुद्ध नहीं, क्योंकि दोनों में तादात्म्य है। एक समाधान दिए, और दूसरा समाधान दिए एक ही गवादी ना यदवा गवादी पदानाम व्यक्तो शक्ति स्वरूप सती, गवादी पद की जो व्यक्ति में शक्ति है स्वरूप सती, स्वरूप सती ही कारण बन जाएगी, यानी व्यक्ति में शक्ति है स्वरूपता विद्यमान होने मात्र से ही काम चल जाएगा, उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति में अगर शक्ति के ज्ञान की आवश्यकता मानोगे तो व्यक्ति तो अनंत है, व्यक्ति में शक्ति स्वरूपता विद्यमान होकर के ही शब्द बोध के प्रति कारण बनेगी, और जाति में जो शक्ति है वह ज्ञात होकर के, देखो ना तू ज्ञाता हेतु, ज्ञात होकर के हेतु नहीं बल्कि स्वरूप सती है वह। जैसे बता दिया थे वाणी होने मात्र से दान होगा, आप आंख बंद करके बैठो, मैं आंख बंद करके चले जाऊंगा, आंख बंद करके वाणी में पैर रखोगे तो दान ही होगा क्या, वाणी होने मात्र से स्वरूप सत्ता मात्र से दाह होता है, उसका कोई जानने की जरूरत नहीं कि मैं जानूंगा तभी मुझे जलन होगी, नहीं जानूंगा तो जलन नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है, वाणी होने मात्र से दाह होता है। तो वाणी जो है दाह के प्रति कैसे कारण है, ज्ञात होकर के कारण है कि स्वरूपता कारण है, स्वरूपता कारण। इसी प्रकार व्यक्ति में जो शक्ति है स्वरूपता कारण बनेगी, पदार्थ बोध और शब्द बोध आदि के प्रति कारण बनेगी, और जाति में जो शक्ति है वो स्वरूपता कारण नहीं बल्कि ज्ञात होकर। देखो आगे दे रहे, जातो तू ज्ञाता, जाति में जो शक्ति है
पद की शक्ति वह ज्ञात होकर के पदार्थ बोध आदि में कारण बनेगी, जाति के भान का हेतु बनेगी। न व्यक्ति अंश शक्ति ज्ञानम अपि कारण, व्यक्ति अंश में शक्ति का ज्ञान कारण नहीं है, शक्ति स्वरूपता होने मात्र से ही व्यक्ति का भान हो जाएगा गौरवात, क्योंकि गौरव होगा। जाति शक्ति मत्व ज्ञाने सति व्यक्ति शक्ति मत्व ज्ञानम बिना व्यक्ति धी विलंबा भावच। देखो पहला कारण दिया कि गौरव, क्योंकि वहां पे व्यक्ति अंश में शक्ति ज्ञान को कारण मानोगे तो पहली बात तो गौरव है, क्योंकि व्यक्ति अनंत है, वहां का शक्ति ज्ञान मानना। और दूसरी बात क्या, जाति शक्तिमत्ता का ज्ञान होने पर एक बार गोत्व का भान हो गया तो कहीं पर भी गो को जान लेता है, तो व्यक्ति शक्तिमत्ता के ज्ञान के बिना ही व्यक्ति बोध में कोई विलंब नहीं है। जाति शक्ति ज्ञान होने से ही, जाति की उपस्थिति होते ही वहां स्वरूपता विद्यमान शक्ति से ही व्यक्ति का, व्यक्ति में शक्ति स्वरूपता है, स्वरूपता विद्यमान शक्ति से ही शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। वहां पे उसके लिए वहां शक्ति ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति शक्तिमत्ता का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ज्ञान के लिए कहा, उसके उस ज्ञान के बिना भी व्यक्ति धी होने में कोई विलंब नहीं होता। जाति में शक्ति का ज्ञान होने से जहां जाति शक्ति उपस्थिति हुई तो व्यक्ति शक्ति ज्ञान के बिना ही व्यक्ति ज्ञान हो जाता है, इसमें कोई विलंब नहीं है। इसलिए उसमें व्यक्ति में शक्तिवान जो है स्वरूपतः शक्ति का, स्वरूपतः शक्ति कारण बन जाएगी, ज्ञात होकर के नहीं। वहां शक्ति है लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं, स्वरूपतः वो कारण बने। वही दे दिए यहाँ पे कि जातो जाति शक्तिमत्व ज्ञाने सति, जाति में शक्तिमत्ता का ज्ञान होने पर व्यक्ति में शक्तिमत्ता का ज्ञान के बिना व्यक्ति धी होने में, व्यक्ति ज्ञान होने में कोई विलंब नहीं होता है। इसलिए वहां पे अलग से जो है शक्ति के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अतः न्याय मते भी अन्वय शक्ति स्वरूप सति इति सिद्धांत। इसलिए न्याय मत में क्या माना गया है, पद की पदार्थ में जो शक्ति है तो ज्ञात होकर के कारण बनेगी, लेकिन जो पदार्थों का परस्पर अन्वय बोध होता है साध बोध, वह स्वरूप सति कारण बनेगी, ज्ञात होकर के कारण नहीं बनेगी। इति सिद्धांत, ये सिद्धांत है न्याय मत में। अन्वय में शक्ति, हाँ पदार्थ, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अन्वय में जो शक्ति है वह स्वरूपतः स्वरूप सती शक्ति मानेगी, स्वरूपतः वर्तमान होकर के ही वह अन्वय बोध का कारण बन जाएगी। तो अन्वय में शक्ति तो नहीं मानते किसी पद की शक्ति अन्वय में, ऐसा नहीं कि तो मतलब अन्वय ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं, अन्वय में है शक्ति लेकिन स्वरूप सती होकर के ही अन्वय बोध हो जाता है। भाई पद से पदार्थ का ज्ञान हुआ और अन्वय में भी शक्ति है पद की, तो स्वरूपता है ज्ञात होकर के नहीं, इसलिए पद से पदार्थ ज्ञान होकर के शब्द बोध हो जाता है। ज्ञायमान शक्ति विषयत्वम एव वाच्यत्वम इति जातिरेव वाच्य। इसलिए पद की शक्ति जाति में, पद का वाच्य जाति है ना, यही बता रहे। ज्ञायमान शक्ति प्रभाकर मत को लेकर के कुछ, ये प्रभाकर मत की समानता है और आगे कुमारिल भट्ट के मत को लेकर के आगे बताएंगे। तो ये मतलब क्या है, वेदांती की इस मामले में थोड़ा मीमांसकों के निकट में है। नैयायिक लोग क्या कहते हैं, जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति, लेकिन यहाँ कहते नहीं केवल जाति में शक्ति, क्योंकि नहीं तो अनंत शक्ति मानने पड़ेगा। तो ज्ञायमान शक्ति विषयत्वम एव वाच्यत्वम, ज्ञायमान शक्ति का जो विषय बने वही है वाच्य। तो किस, कहाँ की शक्ति का ज्ञान हो रहा है, जाति में, और व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता। शक्ति है ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं है, किंतु स्वरूपता वो कारण बने, स्वरूपता विद्यमान होके ही कारण बने। तो ज्ञायमान शक्ति विषय तो कहाँ आया, जाति में आया, और स्वरूपता शक्ति विषय तो कहाँ आया, व्यक्ति में। तो ज्ञायमान शक्ति विषयत्व में वाच्यत्व, ते वाच्यत्व वाच्य का लक्षण कहाँ जाएगा, जाति में जाएगा, व्यक्ति में नहीं। इति जाति रेव वाच्या, इसलिए जाति ही वाच्य है, व्यक्ति जो है वाच्य नहीं है। इसलिए
पद का वाच्य जाति को मानते नहीं मीमांसक लोग, और व्यक्ति का तो वैसे ही भान हो जाएगा। भाई देखो, कभी भी जाति का भान हो कि व्यक्ति के बिना नहीं होता है, इसलिए वो व्यक्ति का अर्थात वो व्यक्ति का भान होगा। लेकिन पद की शक्ति जो है जाति में, तो यहाँ पे देख ली तो इस, लेकिन यहाँ तो ये ऐसा मीमांसक लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह दिए कि वो शक्ति है लेकिन स्वरूपता है, वो है मतलब ज्ञात हो करके नहीं, स्वरूपता व्यक्ति में है, उसी से ही वो व्यक्ति ज्ञान बोध का हेतु बन जाएगी। अथवा एक दूसरा मत देखिए दिखा रहे कुमारिल भट्ट के मत को लेकर के पक्षांतर दिखा रहे कि अथवा व्यक्तिर लक्षण या वगमन। देखो यही बता रहा था, व्यक्ति का बोध जो है लक्षणा से, शक्ति वृत्ति से बोध होगा जाति का, और व्यक्ति का बोध होगा लक्षणा से। यथा नीलो घट, देखो स्वयं उदाहरण दे रहे, यथा नीलो घट इत्यत्र नील शब्दस्य नील गुण विशिष्टे लक्षणा। नीलो घट यहाँ पे नील शब्द का वाच्य तो होता है नील रूप, तो वहां पे नील रूप को नहीं लेकर के नील रूप वाला यहाँ पे लक्षणा होती है। इत्यत्र नील शब्द से नील गुण विशिष्टे लक्षणा, तो नील गुण विशिष्ट यानी नील रूप वाला जो है, आप थोड़ा इधर बैठिए नहीं तो पीछे क्या है कि बीच में आ रहा है ना, तो मालूम नहीं पड़ रहा है कौन कहाँ बैठा है। तो नील नीलो घटा, तो नील पद नील शब्द की का मतलब क्या, शक्ति किसमें है? नील नील शब्द का अर्थ होता है नील रूप, लेकिन वहां घट के साथ सामानाधिकरण प्रयोग होने से नील पद की लक्षणा कहाँ हो जाएगी? नील गुण विशिष्ट में, नील रूप से जो विशिष्ट है कौन? घट, उसमें लक्षणा होगी। ये उदाहरण हुआ। तथा ठीक उसी प्रकार जाति वाचकस्य गौ घट दंड ये सब जितने पद है ना, सब जाति वाचक है, जाति उनका शक्य जो है जाति है, तो जाति वाचक होने पर ही व्यक्ति का भान कैसे होगा? लक्षणा से। जैसे नील पद की नील विशिष्ट में लक्षणा, इसी प्रकार जाति वाचक पद की लक्षणा क्या होगी? जाति विशिष्ट व्यक्ति में लक्षणा, तो व्यक्ति का भान कैसे हो गया? लक्षणा वृत्ति से। देखो तथा जाति वाचक से तद विशिष्ट, तद से लेना जाति, जाति विशिष्ट में लक्षणा होती। तद उक्तम, इसी बात को कुमारिल भट्ट ने कहा है, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, जो अन्य वृत्ति से जिसका ज्ञान न हो करके केवल शक्ति वृत्ति से जिसका ज्ञान हो वही शब्दार्थ होता है, और जहां लक्षणा वृत्ति से जिस अर्थ का ज्ञान हो गया उसे क्या कहते हैं? लक्षार्थ। अन्य अनन्य लभ्य, जो अन्य वृत्ति से लभ्य न, यानी जिसका शक्ति वृत्ति से ही भान हो, उसे क्या कहते हैं? शब्दार्थ। तो घट पद से किसका भान होगा? शक्ति वृत्ति से, घटत्व तो जाति का, इसलिए घट पद का शब्दार्थ क्या हो गया? घटत्व तो जाति, और व्यक्ति को कैसे भान होगा? लक्षणा से। तो घट घटत्व तो विशिष्ट घट का भान हो गया लक्षणा से, इसलिए शब्दार्थ तो हो गया घटत्व, और लक्षणा से हमें क्या भान होगा? व्यक्ति का। हाँ, तो इसलिए अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, जो अन्य वृत्ति से लभ्य न हो केवल शक्ति वृत्ति से। देखो इसका अर्थ देख सकते हो टीका में, इस पंक्ति का अर्थ है, अनन्य लभ्यो लक्षणादिना लभ्यो यो न भवति, जो लक्षणादि के द्वारा प्राप्त नहीं होता वही है शब्दार्थ, यानी शब्द शक्ति गम्य, शब्द शक्ति जन्य बोध का जो विषय बने वो होता है शब्दार्थ, और लक्षणावृत्ति से जिसका ज्ञान होगा उसे शब्दार्थ कहोगे? वो लक्षार्थ है, इसलिए व्यक्ति का भान लक्षणा के द्वारा होता है। एवं शक्यो निरूपित, इस तरह से शक्य का निरूपण कर दिया, जो शक्ति का विषय है ऐसे शक्य का निरूपण कर दिया गया। अथ लक्ष्य पदार्थो निरूप्यति, अब लक्ष्य पदार्थ का निरूपण किया जाता है। तत्र, तो इस तरह से लक्ष्य का निरूपण प्राप्त होने पर लक्षणा विषयो लक्ष्य, जो लक्षणा का विषय बने उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य। लक्षणा का जो विषय उसे लक्ष्य कहेंगे, शक्ति वृत्ति का विषय बने उसे शक्य कहते हैं। लक्षणाकृति कितने प्रकार की होती है? लक्षणाच द्विविधा, अभी दो, पहले दो प्रकार दिखा करके फिर प्रकारांतर से तीन करेंगे, इसलिए यहाँ
वेदांत परिभाषा में देखो यहाँ पे ऐसा है, इस तरह से कर रहे हैं। न्याय में भी मुक्तावली में भी ऐसे कहते ना, लक्षणा च द्विविधा, केवल लक्षणा लक्षित लक्षणा चेती। एक है केवल लक्षणा, केवल लक्षणा तो बहुत उदाहरण प्रसिद्ध गंगायाम घोषण, और लक्षित लक्षणा जो द्विरेफे द्विरेफ है ना, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मद पिबती द्विरेफ, द्विरेफ का अर्थ परंपरा संबंध से वहां पे मधुकर में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ दिखा रहे लक्षणा च द्विविधा, केवल लक्षणा लक्षित लक्षणा च इति, तत्र इन दो के बीच में शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षणा, शक्य जो पदार्थ है उसके साथ जिसका साक्षात संबंध हो, शक्य पदार्थ का साक्षात संबंध जहां पे हो तो संबंध ही हो गया लक्षणा, और जहां है संबंध हो जाएगा क्या लक्ष्य, वह लक्ष्य हो जाएगा। तत्र शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षणा, यथा गंगायाम घोष इत्यत्र, गंगायाम घोष, गंगा पद का शक्य क्या है, प्रवाह, कौन सा प्रवाह, कोई भी प्रवाह, भागीरथ खाता वच्छिन्न, हाँ भागीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह हो गंगा, नैया एक लोग निकालते हैं ऐसा, भागीरथ रथ खाता वच्छिन्न, क्या हुआ कि भागीरथ जी तपस्या किए, तपस्या करने के बाद तो बताइए कि गंगा जी मतलब स्वर्ग, गंगा जी को लाए उस मतलब स्वर्ग से, गंगा जी का वेद वेग कौन सहन करेगा कि गंगा जी सीधे पृथ्वी पड़ेगी तो पृथ्वी सीधे पाताल लोक चली जाएगी, इतना वेग है। तो फिर शिव जी तैयार हुए, मैं अपनी जटा में सहन कर लूंगा, और शिव जी फिर एक धारा छोड़े, गंगा जी किधर से जाना है, तो भगीरथ जी आगे आगे रथ लेकर के भागे, और पीछे पीछे मतलब तो रथ की खुदाई हुई ना पहिए से, तो उसके खुदाई हो गए जितना, और कोई छोटा मोटा हम लोग जैसा रथ थोड़ी बड़ा रथ था उनका पहले के आदमी ही बड़े बड़े होते थे तो इसलिए रथ लेके आगे आगे भागे, तो रथ की खुदाई से जो जमीन गड्ढा तैयार हुआ, उस गड्ढे में जो जल बहने लगा वही है गंगा, वही गंगा कहते। तो कोई भी प्रवाह नहीं ले लेना, कि नहीं तो फिर वो बरसात में जो प्रवाह नाली में बह रहा है वही भी, वो भी गंगा है क्या उसको गंगा नहीं कहते। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह हो गंगा, भगीरथ के रथ से खात जो खुदाई हो गई उसी में, उससे अवच्छिन्न जल प्रवाह, उसमें भर करके जो बहने वाला जल प्रवाह वही है गंगा। सब धारा में कैसे हुआ वहाँ पे, हाँ वहाँ कुछ इधर उधर हो गया है रथ, रथ सात बार गया वहाँ से, हाँ अरे थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसमें क्या है बरसात में तो धारा प्रवाह, उस समय मूल तो वही है ना, वो बाद में कई धारा कालांतर में कुछ परिवर्तन हो जाता है ऐसा थोड़ी, लेकिन चलो वही आसपास ही है, कोई दूर नहीं निकला, इसलिए एकदम मतलब करेक्ट वही नहीं कि मार्किंग करके रखोगे यहाँ तक, ऐसा नहीं करो। चलो देखो आगे, यथा गंगायाम घोष इत्यत्र प्रवाह साक्षात संबंधिनी तीरे, गंगा पद का अर्थ हो गया प्रवाह, वही प्रवाह तो उसके साक्षात संबंधी कौन हो गया, तीर, तीरे गंगा पदस्य केवल लक्षणा, तीर में गंगा पद की क्या है, केवल लक्षणा, यहाँ कोई केवल लक्षणा है, जहाँ शक्य का साक्षात संबंध हुआ तीर में ना, प्रवाह का साक्षात संबंध तीर में है, इसलिए वो उसे केवल लक्षणा कहते हैं, केवल लक्षणा से प्रवाह का संबंध प्रवाह मालूम पड़ेगा। यत्र किंतु, जहाँ दूसरा वाला है लक्षित लक्षणा, यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति, शक्य के परंपरा संबंध से भिन्न अर्थ की जहां प्रतीति हो ज्ञान हो, तत्र लक्षित लक्षणा, यथा द्विरेफ, द्विरेफ यानी मधुकर भ्रमर, लेकिन वो साक्षात नहीं बोध हो रहा है, तो उदाहरण आया है प्रभिन्न कमलोदरे मधुकनी मधु पिबती द्विरेफ, अथवा और बहुत श्लोकों में आता है द्विरेफ पद, ओंकारेश्वर के महाराज जी बोलते थे जो, तस्य दिशे सतत मंजलि रेश पुष्पैहि प्रक्षिप्यते रस भरैर् मधुर द्विरेफै, जागर्ति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारा, तस्य दिशे, उस दिशा के लिए नमस्कार,
जहाँ हमारे गुरु जी रह रहे हैं। तस्य दिशे सतत मंजलि रे पुष्प पुष्प, ये जो है पुष्पों की मंजलि अंजलि, ये अंजलि सतत मैं प्रवाहित डालता हूँ उस दिशा में। तस्य दिशे सतत मंजलि रे पुष्प प्रक्षिप्यते रस भरैर मधुरद्विरेप है। किस प्रकार की पुष्प की अंजलि है जो कि प्रक्षिप रस भर है, ये नहीं सूखा हुआ तीन दिन का सूखा हुआ पुष्प नहीं है, जिसमें रस एकदम ताजा, जिसमें रस भरा हुआ है और भ्रमर भी गूंज रहे हैं उस पुष्प के ऊपर, भौरे गूंज रहे हैं, इतना मतलब ताजा पुष्प है। प्रक्षिप्यते रस भरैर मधुरद्विरेप है, जागर्ति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती, जिस दिशा में हमारे गुरु भगवान चक्रवर्ती, चक्रवर्ती है ना, हमेशा घूमते रहते, पैर में चक्र है घूमते रहते, इसलिए विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार, विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार के रूपी नाटक जो चल रहा है ना, उस नाटक को सूत्रधार है, कंट्रोल करने वाले नियामक, यानी गुरु तो परमात्मा से अभिन्न है ना, इसलिए इस तरह से ऐसा श्लोक बोलते थे। कभी कोई भी प्रवचन के पहले मंगलाचरण का यही रहता था, ये श्लोक बोलते थे। तो यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति, जहाँ पे शक्य के परंपरा संबंध, अब द्विरेप आया, द्विरेप यानी भ्रमर होता है, सीधे भ्रमर अर्थ नहीं निकला, द्विरेप का अर्थ होता है दो रकार, दो रेप। अब दो रेप वाला तो बहुत शब्द है, रात्रि शब्द है, सरकरा शब्द है ना, बहुत से शब्द है जिसमें दो रा मिल जाएगा। कोई जो है सुरेंद्र, सुरेंद्र किसी का नाम है तो दो रा नहीं आया वहां, तो द्विरेप यानी सुरेंद्र जी, आदमी सुरेंद्र, उनको ले लोगे, तो इसलिए वहां पे प्रकरण भी देखना पड़ेगा। तो द्विरेप पद का था रेफद्वय, और रेफद्वय से घटित हो गया कौन, भ्रमर पद, और भ्रमर पद का अर्थ कहाँ पे, भ्रमर रूपी अर्थ में, भ्रमर रूपी अर्थ में। तो शक्य के परंपरा संबंध से जहां पे भ्रमर रूपी अर्थ की प्रतीति हुई, तो ये कौन सी लक्षण हो गए, लक्षित लक्षण, ये लक्षित लक्षण हो गए। हाँ, तो द्विरेप का शक्य हो गया दो रकार, दो रकार वाला है भ्रमर पद, और भ्रमर पद का अर्थ है भ्रमर, जो भ्रमर जो भौरा भौरा होता है, तो इस तरह से वो परंपरा संबंध से वहाँ भौरे की प्रतीति हो गई, भ्रमर की प्रतीति हुई, इसे कहते लक्षित लक्षण परंपरा संबंध से। यथा द्विरेफ पदस्य रेफद्वय शक्तस्य, द्विरेफ पद, द्विरेफ यानी दो रकार, रेफद्वय जिसमें दो रा हो, अथवा दो रा, दो रा, दो रा में शक्त है, और दो रा वाला, तो रेफद्वय शक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधे, भ्रमर पद से घटित परंपरा संबंध, उस परंपरा संबंध दो रकार वाला भ्रमर पद, भ्रमर नहीं, द्विरेफ का अर्थ हो गया दो रकार, और दो रकार वाला हो गया भ्रमर पद, भ्रमर पद का अर्थ हो गया भ्रमर। तो भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधे न मधुरे मधुकरे वृत्ति, मधुकर में वो जो मधुपान करने वाला है उसमें, अथवा मधु बनाने वाला उसमें वृत्ति हो गई। तो इस तरह से कौन, ये लक्षण कौन सी लक्षण हो गए, परंपरा संबंध से लक्षण हुई लक्षित लक्षण। गौणी अपनी लक्षित लक्षण आई, वह गौणी वृत्ति होती वह अभी लक्षित लक्षण आई है। यथा सिंहो माड़ो का, सिंह बालक शेर है, सिंह है, इतने सिंह शब्द का वाच्य तो जो सिंह है जंगल में जो रहता है, अथवा आजकल तो पिंजड़े में भी रखते हैं जंगल में, तो मुख्य रूप से तो जंगल, कोई पिंजड़े में भी है, चिड़ियाघर में भी आजकल हर हर एक शहर में बने हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में बना के रखे बच्चों को देखने के लिए। तो सिंह शब्द का वाच्य हो गया कौन, वो जो सिंह मुख्य तो जंगल में ही रहता है, तो सिंह उसका संबंधी कौन है, क्रौर आदि धर्म। सिंह में क्या रहता है, क्रूरता, बहुत क्रूर होता है ना, तो क्रौर आदि, उस क्रौर आदि का संबंध कहाँ है, माड़ोको में। बालक भी जो है बहुत क्रूर है, बहुत सूर है, तभी उसको लेकर के कह देते, ऐसा नहीं थोड़े कोई रो रहा है ऐसे तो कहते बालक शेर है, हाँ बालक शेर है तब नहीं, रोने वाले को नहीं, जरा जरा गिर जा रहा है तो गिरने को लेके बालक शेर कहते क्या, तो थोड़ा वीरता हो उसके अंदर,
सूरवीर हो, क्रूर हो, तब उसको कहते देखो सिंह हो मानव का। तो सिंह शब्द का वाच्य जो हो गया, जो जंगल में रहने वाला है, उसका संबंधी कौन हो गया? क्रौर आदि, क्रूरता आदि। उस क्रूरता आदि का संबंध कहाँ है? बालक में। क्रूरता, सुरूरता आदि, सुरता आदि को देख करके कह देंगे कि शेर है। आदि संबंध है ना, माणवक से प्रतीति ही, माणवक बालक उसकी प्रतीति हो जाती है। तो ये कौन सी लक्षण? लक्षित लक्षण, शक्य परंपरा संबंध है। शक्य देखो, सिंह पद का शक्य हो गया तो जंगल में रहने वाला, उसका संबंध है, संबंधी हो गया क्रूरता। उस क्रूरता का संबंधी हो गया कौन? बालक। क्रूरता सुरूरता, तो इस तरह से परंपरा संबंध से बालक की प्रतीति हो रही है, इसलिए यह लक्षित लक्षण। प्रकारांतरेण लक्षणा त्रिविधा। अब लक्षणा तो दो प्रकार की बताए, अब अन्य प्रकार से भेद करो तो कि तीन प्रकार हो जाती है। प्रकारांतर से विभाग करने पर तीन प्रकार की है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा चेति। जहती चासव लक्षणा इति जहत लक्षणा, जो शक्यार्थ को छोड़ देती है पूरी तरह से, उसे जहत लक्षण। और जह न जह न न जहती, जहती लक्षणा इति जहत लक्षण, न जहत लक्षणा इति अजहत लक्षण, जो शक्यार्थ को वाच्यार्थ को नहीं छोड़ती उसे अजहत लक्षणा कहते हैं। और जहत अजहती च अजहती च तद लक्षणा इति जहत अजहत लक्षणा, कुछ छोड़ेगी कुछ नहीं छोड़ेगी। तत्र शक्यम अनंतर भाव्य यत्र अर्थांतर प्रतीति। शक्य वाच्यार्थ का अंतर्भाव नहीं कहके करके जहाँ पे भिन्न अर्थ की प्रतीति हो जाए, तत्र जहत लक्षणा, जैसे वही गंगायाम घोषक। अच्छा, यहाँ यहाँ दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, चलो अलग, क्योंकि एक उदाहरण दे ही चुके हैं, कुछ और उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। तो जहाँ पे शक्य का अंतर्भाव नहीं कहके भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, तत्र वहाँ पे कौन सी लक्षणा है? जहत लक्षणा। यथा विषम भुंक्षव, विष को खा लो। कोई आदमी जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, पुत्र जा रहा है शत्रु के घर में, उसकी माँ को, माँ ने सुना बहुत क्रोध आया, बोला विषम भुंक्षव, तो विष खाने में उसका तात्पर्य, खिलाने में ये नहीं तात्पर्य है कि विष खा लो, तुम विष खा लो ऐसा तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य किसमें? शत्रु गृह से निवृत्ति, शत्रु के घर मत जाओ, नहीं तुम्हारा अनिष्ट होगा, ये कहना चाहते। तो यहाँ पे देखो, विष पद का जो शक्य है, विष पद का जो वाच्य है, पूरे वाच्य को छोड़ दिया कि नहीं? पूरे वाच्य को छोड़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? जहत लक्षण। यथा विषम भोक्ष इत्यत्र स्वार्थम विहाय, विष पद का अर्थ जो विष जनिष्ट करने वाला है उसको छोड़ करके, शत्रु गृह विषम स्वार्थम अनुस्वार है ना, कर लो अनुस्वार, अनुस्वार करो, स्वार्थम विहाय, विष पद का स्वार्थ है जो विष पॉइजन, उसको छोड़ करके शत्रु गृह भोजन निवृत्ति लक्षते, तो पूरा शक्य को छोड़ दिया ना, इसलिए जहत लक्षण। यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्य, जहां पे शक्य वाच्यार्थ का अंतर्भाव करके, वाच्यार्थ को नहीं छोड़ करके उसको भी ले करके, अंतर्भाव्य एवं अर्थांतर प्रतीति, उसको ले करके जहां भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, तत्र अजहत लक्षणा, वहां पे अजहत लक्षणा। यथा शुक्लो घट, घट शुक्ल है, तो शुक्ल पद का शक्य है शुक्ल रूप, उसको नहीं छोड़ करके शुक्ल रूप से विशिष्ट को लेना पड़ेगा, तभी सामान अधिकरण होगा ना। ये नहीं शुक्ल रूप घट, रूप घट है क्या? शुक्ल रूप घट नहीं, शुक्ल रूप वाला घट। शुक्ल पद का अर्थ हो गया शुक्ल रूप, उस शक्य को नहीं छोड़ करके उस शुक्ल रूप से विशिष्ट घट को यह लक्षित कर रहा है शुक्ल पद। यथा शुक्लो घट इत्यत्र ही शुक्ल शब्द स्वार्थम, शुक्ल पद का अपना स्वार्थ क्या है, स्व का अर्थ क्या है? शुक्ल गुणम, उसको अंतर्भाव्य एव, उसको लेकर के अंतर्भाव करके ही तदवती द्रव्य लक्षणया वर्तते, शुक्ल गुण वाले द्रव्य में यह शुक्ल शब्द लक्षणा से वर्तमान है, लक्षणा वृत्ति से। ते हो गया देखो,
शुक्ल विशिष्ट, शुक्ल रूप विशिष्ट अर्थ का बोध कराएगा लक्षणावृत्ति से। ये हो गई कौन सी लक्षणा? अजहत लक्षण। अब तीसरा अजहत अजहत लक्षण। यत्र ही विशिष्ट वाचक शब्द, जहां विशिष्ट वाचक शब्द एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, वाच्य के एक देश को छोड़ करके, एक अंश को छोड़ करके एक अंश में वर्तमान रहेगा, तत्र जहत अजहत लक्षण, वहां जहत अजहत लक्षण मानी जाती। यथा स्वयं देवदत्त, यह वही देवदत्त, यह वही घोड़ा है, यह वही हाथी है, यह वही मनुष्य है, इस तरह से जो प्रयोग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? जहत अजहत लक्षण। अत्र ही, अत्र ने अस्मिन उदाहरण, इस उदाहरण में पद द्वय वाच्योर विशिष्टयोर अक्यानुपत्या। देखो दो पद, सह सह देवदत्त, सह का क्या अर्थ है? मतलब तद देश काल विशिष्ट देवदत्त, हाँ वही परोक्षत्वादी से विशिष्ट, तद देश तत्काल, पूर्व देश में, पूर्व काल, पूर्व पहले कहीं देखा है, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, या 5 दिन पहले ही देखा होगा तो भी बोल सकते हो, तो स्वयं देवदत्त यह वही है। तो 5-6 महीने पहले का देश काल भिन्न देश, उस तद देश काल से विशिष्ट वस्तु पिंड को देखा, और अयम देवदत्त इस तद देश काल विशिष्ट पिंड को देख रहा है, तो तद देश काल वाचक तत्शब्द और ये तद देश काल वाचक इदम शब्द, तो पद द्वय अयम, अयम किसका रूप बनता है? इदम का, इदम का रूप है। अत्र ही पद द्वय वाच्य, पद है दो पद हो गए तद और इदम, इनका वाच्य कौन है? तद देश काल, एतद देश काल, पद द्वय वाच्य और विशिष्ट और तद देश काल विशिष्ट, एतद देश काल विशिष्ट, इन दोनों का वाच्य हो गया, दोनों पदों का, तो उन विशिष्ट में एकता नहीं हो सकती है। जो जैसे रामेश्वरम में, रामेश्वरम में देखा आपने किसी को, तो 6 महीने पहले देखा, तो 6 महीने पहले का काल और रामेश्वरम देश, उससे विशिष्ट जो व्यक्ति है, और एतद देश ऋषि के सब देख रहे हो, तेतद देश देश काल विशिष्ट जो हुआ, तो विशिष्ट में एकता हो सकती है क्या? विशेषण विरुद्ध है तो विशिष्ट में कैसे एकता होगी? इसलिए वहां पे क्या करेंगे? ऐक्यानुपत्या पद द्वय से विशेष मात्र परत्वम, दोनों पदों की विशेष मात्र में ही तात्पर्य ले लिया जाता है, विशेष मात्रे परम तात्पर्यम यस ययो पद द्वयो, पद द्वयो द्वययो ते पद तत्पद पद द्वयम विशेष मात्र परम, विशेष मात्र में तात्पर्य वाले हो गए दोनों पद, यानी विशेषण अंश को छोड़ दो, विशेष चैतन्य अंश मतलब पिंड पिंड मात्र को ले लो। इस प्रकार तत्वमसी में विशेष विशेषण अंश को, अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व आदि को छोड़ो, चैतन्य मात्र को लो, तो विशेष मात्र परत्व ये हो गया। यथा वा तत्वमसी इत्यादव तत्पद वाच्य से, तत्पद का वाच्य कौन हो गया? सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट से, माया के द्वारा जो सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से विशिष्ट है, सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व जगत नियामकत्व, इन धर्मों से जो विशिष्ट है ईश्वर, और त्वम पद वाच्यन, त्वम पद वाच्य हो गया अंतःकरण विशिष्ट, अल्पज्ञत्व आत्मशक्तिमत्व से विशिष्ट जीव, इन दोनों का उस ईश्वर का जीव के साथ ऐक्या योगात, अंतःकरण विशिष्ट के साथ एकता नहीं हो सकती है, इसलिए ऐक्य सिद्ध्यर्थम स्वरूपे लक्षणा, ऐक्य की सिद्धि के लिए स्वरूप में लक्षणा कर दिया जाता है। किन पदों की लक्षणा? तत् और त्वम पद की लक्षणा स्वरूप ने कर दी। इति सांप्रदायिका, ऐसे प्राचीन लोग मानते हैं, थोड़ा इनको जो है रुचि नहीं लग रही वेदांत परिभाषा का, ये प्राचीन लोग ऐसा मानते हैं। फिर आप क्या मानते हो? तो बोले हम तो वयम तो ब्रुवा, हम तो ये बताते हैं, हम तो इस प्रकार से मानते हैं। क्या मानते हैं? बोलेगे देखो यही थोड़ा ऐसे विरोध है, इसलिए दिखाते हैं कि, तो मतलब इन्होंने लक्षणा नहीं मानते हैं, ये जो वेदांत परिभाषा कह रहे हैं ना तत्त्वमसि स्वयं देवदत्त इत्यादि में लक्षणा मानते ही नहीं, सीधे ऐसे ही बोध हो जाएगा। देखो दिखा रहे,
इसीलिए कई जगह इनका खंडन भी करते हैं, और कई मतलब कुछ जगह तो पहले ऐसा बोले हैं फिर बाद में उसका विपरीत बता दिए, जैसे मन में इंद्रियत्व का खंडन किए, फिर बाद में आगे बताएंगे एक मन इंद्री है करके। आगे देखना आएगा। आगे देखना आएगा कि नहीं, यहाँ समदम की बात आएगी ना, सम क्या है, अंतर इंद्री निग्रह। तो भाई अंतर इंद्री का तो खंडन कर चुके हो आप। आपने जिस चीज का खंडन किया उसी को आप भूल करके बोल रहे हो क्या? तो कुछ चीजें ऐसी है कई जगह, कई लोगों ने पॉइंट आउट करते, देखो यहाँ गलत थोड़ा सा कुछ मान लिए। तो जब प्राचीन सभी जगह यही आता है लक्षणा से, लेकिन इन्होंने नहीं माना है। देखो यह बता, देखिए, वयम तु ब्रूम स्वयं देवदत्ता तत्वमसी इत्यादि, स्वयं देवदत्ता तत्वमसी इत्यादि में विशिष्ट वाचक पदा नाम एक देश परत्वेपी, विशिष्ट वाचक पद का कहाँ पे तात्पर्य, एक देश में चैतन्य मात्र में तात्पर्य होने पर भी ना लक्षणा, लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना लक्षणा के ही ज्ञान हो जाएगा। बोले कई क्यों लक्षणा की आवश्यकता नहीं, देखो बता रहे, शक्ति उपस्थिति उपस्थितयोर विशिष्टयोर अभेदान्वय अन्वयानुपपत्त। देखो शक्ति वृत्ति से किसकी उपस्थिति हो रही है, उदाहरण पहले लो, दृष्टांत लो, स्वयं देव दत्ता तो तत्काल तत्देश काल विशिष्ट, इदम का एतद्देश काल विशिष्ट, शक्ति से उपस्थित हो रहे विशिष्ट, तो शक्ति से उपस्थित विशिष्ट में अभेदान्वय अनुपत्त, अभेद अन्वय हो सकता है नहीं हो सकता, अभेद अन्वय की अनुपत्ति होने पर विशिष्ट विशेष से शक्ति उपस्थित हो रहे हो अभेदान्वय विरोधात, इसलिए जो शक्ति से उपस्थित हो रहे विशेषण और विशेष से दोनों होकर के विशिष्ट होगा ना। विशिष्ट का मतलब क्या, जैसे दंडी पुरुष, तो दंडी का मतलब क्या क्या होना चाहिए, दंड और पुरुष दोनों होना चाहिए ना, तब तो दंडी कहा जाएगा। आल अकेले पुरुष जो है दंड भूल करके आ गया, जैसे हम लोग कभी पुस्तक भूल करके चले जाते हैं तो दोबारा दौड़ लगानी पड़ती है कि नहीं। दौड़ लगा के फिर जाओ ले आओ पुस्तक, बिना पुस्तक के तो काम चलेगा नहीं, सामूहिक रूप से है जहाँ। अब सब लोग पढ़ेंगे, आप ऐसे क्या सबका मुंह देखोगे? जल्दी से दौड़ करके पुस्तक लेके जाओ। तो ऐसे मतलब दंड होने पर दंडी कहा जाएगा, दंड ना हो और दंड ही 50 इकट्ठा कर लिया, आदमी एक भी नहीं हो तो भी दंडी कहोगे क्या? नहीं। 50 दंड है, आदमी एक भी नहीं है तब भी दंडी नहीं कहा जाएगा। तो मतलब दंड और पुरुष दोनों होना चाहिए, वो भी दंड ऐसे लेके रखना चाहिए, ये थोड़ी दंड उधर कोने में लटका के रखा है उधर बैठा है आराम से, माला जो है जैसे कभी कभी मैं लटका देता हूं उधर। तो मालाधारी थोड़ी कहा जाऊंगे, तब माला पहन के रखोगे तब मालाधारी कहे जाओगे, आप बैठे यहां हो माला उधर लटका रखे हो तो मालाधारी हो जाएंगे क्या? इसीलिए यहां पे जब शक्ति वृत्ति के द्वारा विशिष्ट की उपस्थिति हुई, मतलब विशेषण और विशेष दोनों की उपस्थिति हुई ना, तो जब विशेषण अंश में विरोध हो रहा है तो केवल विशेष अंश में ही ले लो, लक्षणा की क्या जरूरत है? देखो वही कह रहे, शक्ति उपस्थित उपस्थितयोर विशिष्टयोर अभेदान्वयानुपत्तौ, शक्ति वृत्ति से जो उपस्थित हो रहे विशिष्ट, तद्देश काल विशिष्ट तद्देश काल विशिष्ट, इनमें अभेद अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए विशेष जो हो शक्ति से विशेष भी उपस्थित हुए कि नहीं, विशेषण और विशेष दोनों है तभी तो विशिष्ट कहोगे। तो शक्ति से ही जो विशेष की उपस्थिति हुई है, जब विशिष्ट में अभेद अन्वय नहीं हो रहा है तो विशेष में अभेद अन्वय ले लें। हाँ, विशेष यो शक्ति उपस्थित योर एव अभेदान्वया विरोधात्, विशेष जो कि शक्ति से ही उपस्थित है उनमें अभेद अन्वय होने में कोई विरोध नहीं है, लक्षणा की आवश्यकता नहीं, कोई विरोध नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे स्वयं देव तत्वमसी में ले लीजिए, तत्पद की शक्ति वृत्ति से उपस्थिति होगी,
सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर की, त्वम पद से शक्ति वृत्ति उपस्थिति होगी अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट जीव की, तो दोनों विशिष्ट में एकता हो नहीं सकती है। भाई विशिष्ट में एकता नहीं हो रही तो विशेषण अंश को लेकर के विरोध हो रहा है, तो विशेष अंश भी शक्ति से उपस्थित है ना, शक्ति वृत्ति से, विशेष चैतन्य अंश, चैतन्य अंश में एकता मान लो, लक्षणा की क्या आवश्यकता है, लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। यथा घटो अनित्य इत्यत्र, जैसे घटो अनित्य, तो घट पद की, घट पद से किसको लोगे, घटत तो विशिष्ट कंबु ग्रीवादि मत आकृति को घट कहेंगे, तो घट घटत तो जाति तो नित्य है, इसलिए जाति से विशिष्ट व्यक्ति को अनित्य कहा जाएगा क्या, केवल व्यक्ति को अनित्य, जाति का अनित्यत्व के साथ अन्वय नहीं हो सकता, तो जाति को छोड़ो, व्यक्ति अनित्य है। यथा घटो अनित्य इत्यत्र घटपद वाच्य, घटपद का वाच्य हो गया कौन, घटत्व विशिष्ट व्यक्ति, तो ये व्यक्ति जो है घटपद वाच एक देश, उसका एक देश कौन है, घटत्व है, घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि, वह घटत्व अन्वय के योग्य नहीं है, तो योग्य नहीं होने पर भी क्योंकि अनित्य घटत्व तो अनित्य थोड़ी हो तो नित्य है, इसलिए योग्य घट व्यक्त्या, अनित्यत्व के साथ अन्वय के योग्य कौन है, घट, उस घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्व अन्वय, अनित्यत्व का अन्वय, अनित्यत्व अन्वय, अनित्यत्व का अन्वय हो गया। क्या विरोध है बताओ, लक्षणा की क्या आवश्यकता है, घटो अनित्य, यहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, घट पद का अर्थ है घटत्व विशिष्ट घट, तो घटत्व का तो अनित्यत्व के साथ अन्वय हो नहीं सकता है, इसलिए उस अंश को छोड़ दो, केवल घट का व्यक्ति का अनित्यत्व अन्वय कर दो, क्योंकि उसके में योग्यता है, तो लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और भी थोड़ा सा रह गया, कल हम लोग देख लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी विरागानंद जी से पूछा था मैंने कि भाई अभी तो इधर खंडन किए मन इंद्रिय, तो आखिरी में अंतर इंद्रिय निग्रह कैसे मान ली, तो बताए थे कि मतलब अभ्युपगमवाद से पहले खंडन किए, मतलब दूसरे का खंडन करने के लिए थोड़ा मन में अनिंद्रिय तो नहीं मान करके खंडन करना है सामने वाले का, तो खंडन कर दिए, बाद में तो इंद्री लिए अंतर इंद्री निग्रह, ऐसा वो बताए थे। ओम शांति शांति।